मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तबलीगी जमात के खिलाफ नफरत फैलाने वाली एक महिला बेनकाब हुई है। इस महिला का नाम डॉक्टर आरती लाल चंदानी है, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। सोशल मीडिया में ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार से बात करते हुए जमातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली ये महिला डॉक्टर बेनकाब हुई है। डॉक्टर आरती लाल चंदानी तबलीगी जमातियों को इंजेक्शन लगाकर उन्हें काल कोठरी में बंद करने की बात कर रही है। आखिर इस डॉक्टर साहिबा को आखिर जमातियों पर इतना गुस्सा क्यों है, आखिर जमातियों से इतनी नफरत क्यों है? ये वही आरती लाल चंदानी है जो जमातियों को बुरा भला कह रही थी कि ये खाना फेंकते हैं, थूकते हैं, डॉक्टर स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। यानी इस महिला ने जमातियों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। शुक्र है इस वीडियो बनाने वाले की, जिसने इस महिला डॉक्टर की पोल खोल दी और इसे सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। जमातियों के खिलाफ डॉक्टर आरती लाल चंदानी जहर कैसे फैला रही थी, हम आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे जिसमें नफरत फैलाने वाली इस डॉक्टर लाल चंदानी जमातियों पर तमाम इल्ज़ाम लगा रही है। मगर सबसे पहले वो वीडियो देखें जिसमें कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर आरती लाल चंदानी का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जमातियों के लिए इसके दिल में कितनी नफरत है जरा देखिए। कहना नहीं चाहिए पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब उसके बाद ही लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, रिकॉर्ड कर रहा, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है। इंजेक्शन लगवा लीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैनपावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं। अब एक घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए किट 2500 का किट। अब आप सोचिए जिनको आपको दे डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। जमातियों के दर्द हुए ना, जमातियों के। अब हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह से न्यूज़ चैनल पर चीख चीख कर जमातियों के खिलाफ नफरत फैला रही थी, क्या इल्ज़ाम जमातियों पर लगा रही थी, सुनिए। आप ये कह रही हैं कि ये लोग थूकते हैं, तो क्या ये जहां पर हैं वहीं अपने बेड के आसपास थूकते हैं या फिर ये अपने उस वार्ड से बाहर निकल कर भी थूकते हैं? नहीं, अपने हाथों में लगा के पूरे रेलिंग में, पूरे सब जगह दीवारों पे लगा रहे। मगर अब बेनकाब होने के बाद डॉक्टर आरती लाल चंदानी अब सफाई पेश कर रही हैं। उनका कहना है कोई वीडियो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है और बेनकाब होने के बाद अब जमातियों से प्यार जता रही हैं। साथ ही कहा कि वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या सफाई दी है डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने? शुरू में कोरोना का तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या, तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ करने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे कोसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। बहरहाल कौन नफरत फैला रहा था और कौन वीडियो के जरिए बेनकाब हुआ है, ये सारी दुनिया ने देख लिया है और यूपी सरकार को अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वाकई में ऐसे नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।